गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपके क्लास की क्या क्वेश्चन जारी है? मार्किंग वगैरह करा रहे हैं? जी सर। क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का? बढ़िया है सर, उसमें बच्चे सब जो है सो अगर इंडिविजुअल लेवल से करते हैं तो और बेटर है, बढ़िया है। मतलब ईच एंड एवरी मतलब स्टूडेंट पर क्वेश्चन, लेकिन वो बेंच वाइज जो है सो कुछ हो जाता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं? हाँ, तो हम तो अपना करते हैं, लेकिन कुछ हमको पता चला वहाँ पर देखें तो कुछ टीचर्स वैसे भी कर रहे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए कि बैच में उनको लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो ठीक है ना। तो सर क्या दिक्कत है अगर ज़्यादा बच्चे हैं? बट इंटरेस्टेड है बच्चे सब, बहुत मतलब इससे प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, पता चलता है कि भाई मतलब किस पोजीशन में है वो लोग, तो तैयारी करने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब भी उसको कुछ आइडिया क्वेश्चन के माध्यम से भी हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए, तो ये बढ़िया फीडबैक है। तो लगभग मैं प्रीवियस मंथ में हम चार पांच बैच में हम करवाए थे सर। आपका सर इधर का एक्टिविटी नहीं आया है सर? और टेस्ट उस सब लिए थे सर उसमें और मार्किंग और टेस्ट किए हैं। टेस्ट लिए हैं जी, जिसमें बच्चे कम रहते हैं सर बैच में ना, उसमें हम वही रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे कुछ बीकॉम का है, बीकॉम और पीजीडीएम सब है, तो इस समय थोड़ा पीजीडीएम का नया बैच कैसा है? पीजीडीएम का उसमें तो सर मेरा क्लास नहीं लगा है, नहीं ब्रिज में हम लिए थे, उसमें अच्छे बच्चे सब थे सर उसमें। और अभी जो बीकॉम का आया उसमें भी अच्छे अच्छे बच्चे। नहीं सर, बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चे सब देते हैं टेस्ट है। हाँ, बट हम लोग को तो टेस्ट से डर लगता था, टेस्ट के बजाय एक सेमेस्टर में दो इंटरनल एग्जाम ताकि कोई भी एग्जाम में सिलेबस कम रहे, और जब लगातार एग्जाम होगा तो एग्जाम के दौरान बच्चे क्लास ज़्यादा अटेंड करते हैं, और जल्दी जल्दी एग्जाम होने से उनका याद करने का वो सब चीज़ का रिक्वायरमेंट घट जाता है। ठीक है, और आप जब टेस्ट लेते हैं फिर कॉपी चेक करते हैं बार बार, उसके बजाय इंटरनल एग्जाम में ही टेस्ट लेंगे दो बार एक सेमेस्टर में, कॉपी चेक करेंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, ज़्यादा महत्व होगा, ज़्यादा वेटेज होगा उसका, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ज़्यादा वेटेज जाएगा। नहीं सर, लेकिन फिफ्थ सेम और सिक्स सेम सब जो होते हैं उसमें दो बार कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी आई एम और आई आई टी में सब जगह ट्रिमेस्टर हो चुका है, पूरे इंडिया ट्रिमेस्टर पे जा चुका है, ग्लोबली पूरा वर्ल्ड ट्रिमेस्टर सिस्टम पे जा चुका है। एक एनुअल सिस्टम था, फिर आया सेमेस्टर सिस्टम, अब आप चेक करिए पूरा इंडिया के जितने अच्छे कॉलेज हैं सब ट्रिमेस्टर सिस्टम पे जा चुके हैं, सब ट्रिमेस्टर पे जा चुके हैं। तो ट्रिमेस्टर में क्या दिक्कत है? पूरा वर्ल्ड जब ट्रिमेस्टर पे चला गया है तो अब सेमेस्टर हर जगह हट रहा है, ट्रिमेस्टर आ रहा है। तो हम लोग पहले बिहार के ट्रिमेस्टर वाले पहले संस्थान हम लोग बने भी थे बीच में, बीच में हमारे यहाँ ट्रिमेस्टर हो रहा था ना, वही रहा था। और आप लोग लेते ही है, जब आप लोग ये जो टेस्ट ले रहे हैं जी, इस टेस्ट में और उसमें क्या अंतर होगा? खाली ये एक पन्ने पर है, वो चार पन्ने पर आठ पन्ने पर होगा, यही ना होगा जी जी, बस ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ज़्यादा मतलब उसका महत्व मनोबल, उसका बच्चे का भी मनोबल थोड़ा उससे जो है बढ़ेगा, महत्व हो जाएगा उसका, सीरियसनेस बढ़ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा कैजुअल है, अब जैसे कैजुअल में तो हमारे पास मंथली असेसमेंट डिवीजन क्यों है, वो फुल्ली कैजुअल है, वहाँ पर हम लोग बहुत रिलैक्स रखते हैं बच्चों को। ठीक है, इंटरनल एग्जाम को हम दो पार्ट में लें, IA1 IA2 हर सेमेस्टर का। ठीक है ना, SEM 1 IA1 SEM 1 IA2 फर्स्ट सेम IA1 फर्स्ट सेम IA2 सेकेंड सेम IA1 सेकेंड सेम IA2। ठीक है, इससे अच्छा रहेगा।